टोयोटा ने लास्ट वीक में एक न्यू कार को लॉन्च किया है, बट दिस कार इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल टोयोटा कार्स, क्योंकि ये है टोयोटा की मिराई जो चलती है हाइड्रोजन फ्यूल से। तो इस कार को हमारे बिलव्ड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। टोयोटा मिराई करंटली ग्लोबल प्रोडक्ट है और इसको एक एडवांस व्हीकल भी कंसिडर किया जाता है इस सेगमेंट में। अभी हाइड्रोजन कार क्या है, कैसे वर्क करती है, चलिए जानते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन एक गैस है और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है तो एक प्रोसेस होती है जिसको रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोला जाता है। अब प्रोसेस को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन तो गाड़ी में लगे हाइड्रोजन सिलेंडर से आ जाती है एंड ऑक्सीजन को एटमोस्फेरिक एयर से ले लिया जाता है। अब जब इनको मिक्स किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, जो प्रोसेस बताया मैंने आपको रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस इसके थ्रू, एंड इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कार में लगी बैटरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो बैटरी पावर जाती है इलेक्ट्रिक मोटर को जो कार के व्हील्स के साथ अटैच है एंड द कार मूव्स ऑन। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोसेस से मिक्स किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी जनरेट होती है एंड उसको एग्जॉस्ट के या आप कह सकते हैं साइलेंसर के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है टोयोटा एंड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देश को जीरो कार्बन एमिशन नॉर्म्स अचीव करने की तरफ। करंटली ये कार खरीदने के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है बिकॉज अभी टोयोटा एंड आईकैट और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च मानेसर इसको इंडियन रोड्स और वेदर कंडीशन में टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद इसके जो भी रिजल्ट्स रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अगर कोई मॉडिफिकेशंस भी होता है तो उन मॉडिफिकेशंस को इस कार में करके ये इंडिया में लॉन्च की जाएगी। अकॉर्डिंग टू टोयोटा ये कार एक फुल टैंक में 650 किलोमीटर कवर कर सकती है एंड इसको रिफ्यूल करने में बस 5 मिनट का टाइम लगता है। है ना इंटरेस्टिंग। अभी कार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये धुआं नहीं सिर्फ पानी की बूंदें छोड़ती है। मीन्स एक पेट्रोल डीजल और सीएनजी व्हीकल जब रन करता है तो वो धुआं छोड़ता है, स्मोक छोड़ता है जिसके अंदर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है और ये हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस भी है। अब ये कार ऐसी है जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं जनरेट करके देगी। इसका फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था 2014 में जो करंटली अवेलेबल है जापान, यूरोप, अमेरिका और कुछ अदर कंट्रीज़ में भी। अभी इसकी सेकेंड जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा इंडिया के कर्नाटका प्लांट में स्टार्ट होगी और ये रन करेगी हाइड्रोजन फ्यूल पे, जिसके लिए इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिया है। मीन्स इंडियन ऑयल हाइड्रोजन गैस बनाएगी एंड पंप्स भी सेटअप करेगी जिससे कि फ्यूचर में ये कार लॉन्च होती है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत कस्टमर को ना हो। ये कार एक फ्यूचर कार है एंड इंडिया में ऐसी कार का प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी है अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।